नेक्स्ट आगे अब सीखेंगे, आगे मुझे आपको ये बैनर तक हमने किया है, ऊपर का मेनू सेट हो गया, नीचे अब मुझे कंटेनर स्टार्ट करना है। कंटेनर में मेरे तीन पोर्शन हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा कंटेनर, ठीक है, और इसके कॉलम तीन कॉलम में मैं डिवाइड करूंगा, चार कॉलम आएंगे इसमें, 4, 4 8 और 4 12, टोटल 12 कॉलम्स होंगे इसके, ठीक है। तो हमारा कंटेनर बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेनर क्लास आएगा। फिर उसके अंदर एक रो आएगी, रो के अंदर मैं एक क्लास लूँगा जिस कॉलम फॉर, और उसके अंदर एक इमेज टैग, फिर आएगा यहाँ पे हेडिंग टैग, और यहाँ पे आएगा पैराग्राफ टैग, ठीक है, पी टैग। तो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक div क्लास आएगा हमारा कंटेनर, यहाँ पे जाऊँगा मैं कंटेनर क्लास लूँगा, पेस्ट कर दूँगा, कंटेनर को मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे एक दूसरा div ले लूँगा, उसमें एक क्लास दूँगा जिसका नाम होगा रो, एक रो मैंने ले ली। अब इस रो के अंदर यहाँ पे लूँगा मैं div क्लास कॉल डैश फॉर, और इस कॉलम को मैं बंद कर दूँगा। इस कॉलम के अंदर आएगा मेरा img src, एंटर, .. अब मैं इमेज काट दूंगा यहाँ से, इमेज मुझे स्लाइस करनी पड़ेगी एक गेट इंस्पायर की, ठीक है। इसको मैं परफेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ग्रिड ले लूँगा, क्लिक एंड ड्रैग, ग्रिड आ गई मेरी, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, इसको सेलेक्ट कर दिया, एडिट में गया मैं, यहाँ से कर दिया कॉपी मर्ज, फाइल में गया न्यू, ओके दे दिया, एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, फाइल मेनू में गया, यहाँ से एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया है जिसमें इमेज, उसके अंदर नाम दूंगा मैं, इसका नाम है गेट, ठीक है, यहाँ से सेव कर दूंगा मैं इसको। अब यहाँ सब लाइन में वापस आ जाऊंगा, ठीक है, सो यहाँ पे वो इमेज अब मैं कॉल करवाऊंगा, img.gs/get.jpg, उसके बाद यहाँ पे आएगा h2 हेडिंग टैग, जिसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+A Ctrl+C, यहाँ पे जाऊँगा हेडिंग दे दूँगा Ctrl+V, यहाँ पे आएगा मेरा पी टैग पैराग्राफ के लिए, उसके अंदर मैं डाल दूँगा पैराग्राफ मेरा टेक्स्ट, सेलेक्ट Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V, तो यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट कॉलम फॉर कॉलम का जो एक पहला कंटेनर है वो कंप्लीट हो गया है। एक रो ली मैंने, मैंने पहले कंटेनर डाला, उसके अंदर एक रो डाली, फिर कॉलम फॉर, और उसके अंदर मैंने इमेज ले लिया, उसके अंदर एक हेडिंग टैग पी टैग, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा एक क्लास बनाऊँगा icon_section, आइकॉन सेक्शन करके एक मैंने दूसरा क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर हम टेक्स अलाइनमेंट, टेक्स का कलर और टेक्स की साइज ये सब सेट करेंगे। तो मैं मेनू में जाऊँगा, अरे मेन CSS में जाऊँगा, और यहाँ पे .enter, यहाँ पे लूँगा टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल सेंटर, तो मेरे सारे टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। सेव,
भी सेव कर देते हैं और अब प्रीव्यू देखते हैं। ब्राउज़र में जाएंगे, प्रीव्यू, तो यहाँ पे गेट इंस्पायर आ गया, टेक्स्ट जो है वो मेरे सेंटर में आ गए, इमेज जो है वो कॉल नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इमेज इमेज की कॉल नहीं हो रही है, साइट डायरेक्टरी मैंने गलत दे दी है। सेव, रिफ्रेश, आ गई इमेज। अब हमारे लेआउट में ये बैनर से कितने पिक्सल नीचे है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंट्रोल डी, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूँगा, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, हाइट 100 पिक्सल्स जो है वो मेरा पूरा डी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सब लाइन में जाऊँगा, मेन में जाऊँगा, यहाँ से दूँगा मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स, यानी नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश, आ गया नीचे, ठीक है। गेट इंस्पायर, मार्जिन सेंटर में आ गया मेरा लेआउट। अब है यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट यूज किया, टेक्स्ट तो वही है कलर, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ब्लैक ही कलर है, सेलेक्ट कंट्रोल ए, कलर ब्लैक ही कलर है। अब यहाँ पे ये जो मेरा क्लास है आइकॉन सेक्शन, इसकी मैं 3 बार कॉपी ले लूँगा, 1 कंट्रोल सी करो, एंटर करो, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहाँ जाके रिफ्रेश, सेट हो गया। 4 कॉलम, 4 कॉलम, 4, 8 कॉलम मेरे हो गए टोटल। मेनू बार, लॉगिन, तो ये वाला पोर्शन जो है मेरा कंप्लीट हो गया। 4 इमेज, अब 4 इमेज में क्रॉप करके स्लाइस करके वहाँ पे इमेज नेम बदल दूँगा, से रेक्टेंगल टूल लूँगा, से क्लिक एंड ड्रैग, ग्रिड ले ली मैंने साइड में से पकड़ के, ऐसे खींचो यहाँ पे ग्रिड आ जाएगी, क्लिक एंड ड्रैग, इमेज को आप सेलेक्ट कर लो, एडिट मेनू में जाओ, यहाँ से करो कॉपी मर्ज, फाइल में जाओ एक नया फाइल लो, ओके दो, एडिट में जाओ यहाँ से करो पेस्ट, फाइल में जाओ एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, यहाँ से दो इसको सेव, यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा डॉलर। दूसरी इमेज हमारी, तीसरी सेम साइज की है, ठीक है, एडिट में जाओ, कॉपी मर्ज करो, न्यू फाइल लो, ओके दो, एडिट में जाओ पेस्ट करो, फाइल मेनू में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, सेव फॉर वेब, यहाँ से सेव करो, पे नाम दो इसका, नाम इसका नाम देंगे टू, फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, सेव, सो सी सेव। हम यहाँ पे सब लाइन टेक्स्ट में आ जाओ, इमेज में यहाँ पे लिख दो कौन सी इमेज थी, तो इमेज के अंदर डॉलर, राइट क्लिक, रीनेम, कॉपी करो, फोटोशॉप में जाओ, अरे सब लाइन में जाओ, फिर कर दो पेस्ट, यहाँ पे जाओ सोशल, राइट क्लिक, रीनेम, कंट्रोल सी, सब लाइन में जाओ, गेट की जगह यहाँ पे कर दो सोशल, सेव। तो तीनों इमेज मेरी यहाँ पे चेंज हो गई है, 1, 2, 3, पैराग्राफ मेरा सेट हो गया है, फॉन्ट सेट हो गया है, मैंने फोटोशॉप में जो लेआउट बनाया है उसके हिसाब से हम जा रहे हैं। अब मेरा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन आएगा मेरा,
जिसकी सो अब यहाँ से मैं एक ये क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा आईफोन और उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा ये, ठीक है। इसकी कॉपी कर लेता हूँ मैं, सबलाइन टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये कंटेनर जहाँ पे कंप्लीट